हवामान में भारी बदलाव के कारण केरला में बारिश बहुत जोर शोर से हो रही है। बिजली और संपूर्ण यातायात ठप होने की वजह से कई क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करना मुश्किल हो रहा है। पंपा नदी में बाढ़ आ जाने की वजह से तीर्थ यात्रा पर गए हुए कई यात्रीगण इस बाढ़ का शिकार हुए हैं और कई लोगों की जान अभी भी खतरे में है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए हमारी हाँ दे, मेरे पेरेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? न्यूज़ देखकर बहुत घबराहट हो रही है, कुछ भी करके पता कर यार, प्लीज दे। श्रवण, तेरी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। मैं भी उनका पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बिना कम्युनिकेशन के पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो टेंशन मत ले, बी काम। प्लीज दे। श्रवण, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तुम ही तो कहा करते थे ना। अब तुम्हें हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? डोंट वरी, मम्मी पापा बिल्कुल सेफ होंगे। नहीं रेखा, मेरे मना करने के बावजूद वो दोनों जिद करके तीर्थ यात्रा पर चले गए। आई डोंट नो वॉट टू डू। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे इंडिया जाना ही होगा। हमने तेरे माँ बाप को हर तरफ ढूंढा, पर हमें उनका कोई पता नहीं लगा। तीर्थ यात्रा पर गए हुए कई सारे लोगों की मौत हुई है, यहाँ बहुत सारी बॉडीज हैं। तुम इनमें से पहचान लो। खोलो। श्रवण, श्रवण, इस घर को देखकर मॉम डैड की याद आती है। वो जहां नहीं है वहां एक पल भी रुकने की इच्छा नहीं हो रही, उनकी कमी खल रही है। अब मैं यहां नहीं रह सकता। विधि विधान पूरा करके मैं हमेशा के लिए दुबई चला जाऊंगा। तो इस घर का क्या करेगा? मैंने सोचा था मैं इंडिया लौटकर अपनी पूरी जिंदगी में अपने मॉम डैड के साथ बिताऊंगा, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इस घर की यादों को तो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन ये घर तो खरीदेगा। तो क्या मतलब, तू ये घर बेच देगा? इस घर से जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने माँ बाप के नाम से एक ट्रस्ट शुरू करना चाहता हूँ। अगर उन पैसों से बूढ़े जरूरतमंद लोगों की मदद होती है तो मेरे माँ बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। तेरे अलावा मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। इस घर को बिकवाने में प्लीज मेरी मदद कर देना यार। पैसे थोड़े कम मिलेंगे तो चलेगा, बस वो लोग अच्छे होने चाहिए। वो इस घर को मंदिर की तरह रखेंगे तो मुझे खुशी होगी। चिंटू, आज तेरा बर्थडे है ना, तो आज तू केक काटना और हम सब क्लैप करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 1, 2, 3।
दीदी। माँ को गए कितने दिन हो गए ना, पता नहीं माँ कैसी होंगी, आप फोन करके पूछे ना। हाँ बाबूजी, तू उसकी चिंता मत कर, अपने बेटे के साथ वो खुश ही होगी। पापा, आपको भैया से गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी, आज घर के मामले में हम बस थोड़े से इमोशनल हो गए। नहीं, मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आप सब लोग प्लीज इस वक्त शांत हो जाइए, ये मेरी आपसे विनती है। मेरे पास आपके लिए एक विशेष सूचना है, और वो सूचना ये है कि मेरे पास सुपर पावर्स है। मैं जब क्लैप करती हूँ तो दरवाजा फटाक से खुल जाता है। आई एम ग्रेट ना? हाँ हाँ। तो आप लोग देखना चाहेंगे मेरी सुपर पावर? दिखाओ। दरवाजा तो नहीं खुला, पावर चली गई क्या? हंस मत भालू, उधर देख। वन टू थ्री। दक्षिता, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना। तुम्हें केक मिला ना चिंटू की बर्थडे का, तो जाओ मनाओ। वाह, नया खिलौना, कौन लाया होगा ये? ये खिलौना मेरा है, ये खिलौना मेरा है। दक्षिता, क्यों चिल्ला रही हो तुम? दीदी, एक लड़का अंदर आया और खिलौना मेरा है बोल के लेके चला गया। एक लड़का आया, कौन था वो? पता नहीं कौन था, मोटू सा था। ये सब टीवी का असर है, मैंने मना किया था ना इतने कार्टून मत देखा करो, तभी ऐसा हुआ। सुपर पावर की बात करती हो या बोलती हो लड़का आया खिलौना लेके चला गया, बस पूरे दिन यही सारी फालतू बातें सोचती हो। अब जाओ दादाजी के साथ खेलो। शशि भैया, टिक टिक टाई, टिक टिक टाई, टिक टिक टाई। तू लगा मैं जबरली पीछे। शशि भैया, क्या हुआ? इस घर में हमारे अलावा भी कोई है क्या? कोई और भी रहता है? हाँ। तुम बिल्कुल डरो मत, कहाँ देखा? वहाँ। चलो देखते हैं कोई यहाँ कैसे आ सकता है। भैया, जब मैं आईने में देख रही थी तब मेरे पीछे यहाँ यहाँ पर कोई था। यहाँ क्या? मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या? हाँ, तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे होते हुए। हाँ।
बच के रहना दादाजी, मैं आपको पकड़ लूंगी। दादाजी आप कहाँ हैं? मैं आ रही हूँ, अब देखिए मैं आपको पकड़ लूंगी। आप कहाँ हैं? समझ नहीं आ रहा। मैं आ रही हूँ दादाजी, मैं आपको पकड़ लूंगी, देख लेना। दादाजी दादाजी, डरो मत बेटा। हाँ, मेरे पहचान के एक स्वामी जी हैं, वो यहाँ आएंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। चल अंदर। यहाँ भूत है ऐसा बोल रहा था ना, कहाँ है तेरा भूत? मेरे सर की पुराना कसम, मैंने इसलिए भूतों की अफवाह फैलाकर इसे सस्ते में दिलाना चाहता है। होशियारी दिखाई ना तो इसी घर में गाड़ दूंगा। सर मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ सर, इस घर में भूतों का बस। आइए साहब, अंदर आइए। देखिए ना ये हॉल कितना बड़ा है ना साहब, आप लोग आइए दिखाता हूँ। फर्नीचर के साथ में बेच रहे ना? हाँ साहब। ये खिलौना मेरा है, ये खिलौना मेरा है। ये खिलौना मेरा है। पापा, मैंने उस रूम में भूत को देखा। ये पागल हो गया क्या? कुछ भी बोल रहा है। पैदा हुआ तब से मेरे को देखता आ रहा, तू तब तो नहीं डरा, आज कैसा डर लग रहा है तेरे को? देख रे बड़ा, भूत वूत कुछ भी नहीं होता है, बाहर जाके बिंदास खेल। मेरे से बड़ा भूत इस दुनिया में नहीं है बाबा। वाह, रूम तो काफी बड़ा है। इस अलमारी में अपना रोकड़ा रखूंगा, घर बनाने में खर्चा किए रहा है। ये कमरा अपनी गर्लफ्रेंड को देगा मैं। क्या लग रहा हूं मैं, एकदम लो बजट फिल्म के विलन जैसा। अबे साले भूतनी के, कैसा इंसान है रे तू, मेरे को भूत बंगला भेजता है। रुकिए साहब, मैं भी आ रहा हूं साहब। मेरे मरे हुए बाप की कसम साहब, इस घर में भूत है। ये कितना सच कह रहा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस काम में वाकई फायदा बहुत है। ये ले, ये पैसे रख। इस घर में सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि कई सारे भूत हैं, ऐसी अफवाह पूरे शहर में फैला दे ताकि इस घर को खरीदना तो दूर, इस घर का नाम सुनते ही सबकी रूह कांपनी चाहिए। साहब यहाँ बहुत सारा भूत है, ऐसा कह रहे? जितना कहा है उतना कर, चल अब निकल। भूत भागो।
लेकिन सर, इस घर में भूत है, ऐसी बात अगर लोगों में फैली तो कौन खरीदेगा ये घर? तेरा भाई शेखर अन्ना। शेखर अन्ना, मैंने आपको एक घर के बारे में बताया था ना, उस घर में भूत है, ऐसी अफवाहें फैला दी है मैंने। अब उस डर के घर को कौन खरीदेगा? घर का भाव अपने आप नीचे आ जाएगा और फिर हम लोग उस घर को खरीद लेंगे। छोटा इन्वेस्टमेंट बड़ा प्रॉफिट, कैसा लगा आइडिया? हम मर चुके हैं क्या? मतलब हम सभी भूत हैं क्या? पर हम कब मरे और कैसे मरे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा है पापा। मरने के बाद रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं बेटा। नहीं पापा, हम मिट चुके हैं पर हमारे दिल में माँ के लिए जो प्यार है वो अभी नहीं मिटा। हम मौत को अंत कहते हैं फिर भी आत्मा के रूप में जिंदा रहते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि हम माँ से मिलने के लिए जिंदा हो। हम भूत हैं ये हकीकत उनको पता चल गई है, ऐसे में वो हमें यहाँ रहने देंगे क्या? तो अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे क्या दादाजी? मुझे तो